हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो पीईटी वीडियो और आरओ एआरओ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और यूपी पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो 2024 का पीसीएस आने वाला है, तो इसमें आप लग जाओ। और खैर, हम बात करते हैं जब पीईटी का सिलेबस आप उठाओगे जो 28 से 29 अक्टूबर को एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, तो उस एग्जामिनेशन में 1947 से लेके 1991 तक के अर्थव्यवस्था के विकास का एक टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास। ये दो टॉपिक हैं। इन दो टॉपिक का पहला पार्ट आज का वीडियो कवर करेगा, दूसरा पार्ट तीन क्लास में दो टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो ये दोनों टॉपिक इस तीन क्लास के तहत कंप्लीट हो जाएगा इकोनॉमी का, ठीक है। तो जो टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था। पहले तो हम समझते हैं कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है, और उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड ही हम पढ़ेंगे राज्य अर्थव्यवस्था क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और राज्य अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन नहीं करते, ठीक है। तो आसान बनाने के लिए इन दोनों टॉपिक के बारे में थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन और कम समय में करते हैं। चलो बात करते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, शास्त्र यानी अध्ययन। इकोनॉमिकल एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधियाँ, यानी ऐसी गतिविधियाँ जिससे हमारी दिनचर्या, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जीविका चलती है, उसे हम आर्थिक गतिविधि कहते हैं। इन आर्थिक गतिविधियों के तहत हम वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए विभिन्न संसाधन चाहिए। ये संसाधन विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग मात्रा में उपस्थित है। संसाधन का असमान वितरण है। तो भौगोलिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति के आधार पर विभिन्न देशों में अर्थशास्त्र के सिद्धांत लागू होते हैं। अर्थशास्त्र बेसिकली एक सिद्धांत है, एक विज्ञान है जिसका अध्ययन करके विभिन्न देश अपनी परिस्थिति के अनुसार उन सिद्धांत को लागू करते हैं, और जब वो उसे लागू करते हैं तो वो अर्थव्यवस्था बन जाता है। अर्थव्यवस्था के साथ किसी देश का नाम जुड़ा होता है, जबकि अर्थशास्त्र के साथ किसी देश का नाम नहीं जुड़ा होता है। अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य होता है मानव जीवन के बेहतरी के लिए काम करना। वर्तमान में मानव की जो स्थिति है उस स्थिति से उसे और बेहतर बनाना किसका काम है? अर्थशास्त्र का। ये इसी सिद्धांत पे काम करता है। ओके, मानव जीवन को बेहतर बनाना किसका काम है? अर्थशास्त्र का काम है। यह संसाधनों का आकलन करके अर्थव्यवस्था को विकास का रूप देने के सिद्धांत तय करता है, जिसका अध्ययन आप एक विषय के रूप में करते हो। इस विषय के सिद्धांत भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न परिस्थितियों, सांस्कृतिक आर्थिक कारणों से लागू होता है। इस वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, रशियन अर्थव्यवस्था, चाइनीज अर्थव्यवस्था, देशों के नाम के साथ अर्थव्यवस्था जुड़ा होता है, ठीक। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था क्या है? आर्थिक गतिविधियों की व्यवस्था। आर्थिक गतिविधियों के तहत हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो उत्पादन के कारक वाला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, और इसके साथ ही मैंने अर्थव्यवस्था के यानी उत्पादन गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रक में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उसको भी डिस्कस कर लिया है, तो आप पिछले क्लास में देख लेना। तो किसी भी देश के साथ, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, जापान हो, जर्मनी हो, दक्षिण अफ्रीका हो, फ्रांस हो, या सऊदी अरब हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, कोई भी देश हो, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि उसके देश में उत्पादन और वितरण दोनों सुनिश्चित किया जा सके। सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन पहली चीज, और दूसरी चीज उन उत्पादित वस्तु और सेवाओं का लोगों तक पहुंच सुनिश्चित हो, अन्यथा उसके उत्पादन का कोई औचित्य नहीं है। तो सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था की क्या है?
मुख्य रूप से दो है, एक है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और दूसरा है वस्तुओं और सेवाओं का वितरण। जब हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने चलते हैं तो उत्पादन के 4 फैक्टर मैंने आपको बताए थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो आपको क्या चाहिए? निवेश चाहिए। जब भी आप उत्पादन करोगे वस्तु और सेवाओं का, वो निवेश भूमि के रूप में हो सकता है, भूमि आपको खरीदना है, कंस्ट्रक्शन कराना है, टेक्नोलॉजी अफोर्ड करनी है यानी तकनीकी सुविधा चाहिए, भूमिगत सुविधा चाहिए, कच्चा माल चाहिए, तो इसके लिए निवेश की आवश्यकता पड़ती है। अब निवेश कौन करे, उत्पादन कौन करे, इसके आधार पे हमने अर्थव्यवस्था को 3 ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में डिवाइड किया है, जिसको हम कहते हैं अर्थव्यवस्था का संगठन। यदि उत्पादन किसका, वस्तुओं और सेवाओं का, राज्य के द्वारा होता है, मींस सरकार के द्वारा होता है, तो उसे राज्य अर्थव्यवस्था कहते हैं या इसे गैर बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरा, यदि उत्पादन और वितरण निजी क्षेत्र के द्वारा हो और बाजार के ऊपर उत्पादन और वितरण छोड़ दिया जाए, यहाँ पे बेसिकली उत्पादन की बात हो रही है, उसे निजी क्षेत्र अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं, मार्केट इकोनॉमी या प्राइवेट इकोनॉमी। तीसरा क्षेत्र है कि राज्य और बाजार यानी निजी क्षेत्र दोनों साथ मिलकर काम करें। अर्थव्यवस्था में कुछ उत्पादन क्षेत्र जो लोगों के मूलभूत आवश्यकता से, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़ी हो, उसका उत्पादन राज्य करे, मीन सरकार करे। उसके अलावा जो विलासिता की वस्तु है, जैसे एसी हो गया, फैन हो गया, कार हो गया, कूलर हो गया, इससे संबंधित जो उत्पादन हो वो कौन करे, बाजार करे। तो दोनों का मिला जुला रूप हो गया। तो इन्हीं उत्पादन कौन करे, इसके आधार पे हमने अर्थव्यवस्था को कौन कौन सी अर्थव्यवस्था में डिवाइड किया, राज्य अर्थव्यवस्था जिसे हम स्टेट इकोनॉमी या नॉन मार्केट इकोनॉमी कहेंगे। दूसरा, निजी क्षेत्र अर्थव्यवस्था जिसे हम बाजार अर्थव्यवस्था भी कहेंगे, या प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी। तीसरा होगा राज्य और बाजार का मिला जुला रूप, जिसे हम कहेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी या हिंदी में इसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें कुछ उत्पादन राज्य, कुछ उत्पादन बाजार करे। ये तो उत्पादन की बात हो गई। फिर वितरण की बात करते हैं, क्योंकि जब वस्तु और सेवा उत्पादन का महत्व तभी है जब वो उपभोक्ता तक पहुंचे, जिसके लिए उत्पादन किया जा रहा है, तभी तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी चलेगी। तो वितरण के लिए भी यही 3 संस्था जिम्मेदार हैं। यदि उत्पादित की हुई वस्तु का वितरण राज्य करता है तो राज्य अर्थव्यवस्था, या तो दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि उत्पादित की हुई वस्तु का वितरण निजी क्षेत्र करे, यानी एक तो वितरण कौन कर सकता है, राज्य, दूसरा वितरण कौन कर सकता है, बाजार या निजी क्षेत्र, और तीसरा वितरण कौन कर सकता है, राज्य और बाजार दोनों कर सकते हैं। कौन कौन कर सकता है, राज्य और बाजार दोनों, सही है। जैसे अभी एग्जांपल देखो कि लैपटॉप का उत्पादन निजी कंपनी करती है, जैसे HP हो गया, डेल हो गया, तो सरकार ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं 12th पास के बाद, जिनको लैपटॉप वितरण करती है, प्राइवेट कंपनी से खरीदती है और उनमें वितरण करती है। तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी ने प्रोडक्शन किया और डिस्ट्रीब्यूशन किसने किया, वितरण किसने किया, राज्य ने किया, तो दोनों साथ साथ चल रही है, ओके। उसके साथ प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल राज्य द्वारा यानी सरकार के द्वारा भी चलाया जाता है। इसके साथ प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन में देखेंगे तो प्राइवेट संस्था भी काम करती है, तो इस तरह से दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, दोनों प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये दोनों उत्पादन के क्षेत्र, वितरण के उत्पादन और वितरण कौन करेगा अर्थव्यवस्था में, ये बात हो गई। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था समझने के लिए हमको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था
और राज्य अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताओं को समझना पड़ेगा और उन विशेषताओं के फ्लॉप होने के बाद मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे डेवलप हुई इसके बारे में चर्चा करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषता पता होनी चाहिए, फिर राज्य अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषता, फिर उन दोनों का असफल होना, फिर मिक्स्ड इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदित होना और लगातार बढ़ते चलना, इसका कॉन्सेप्ट पता चलेगा। ये तीनों तीन क्लास में पूरे होंगे। आज के क्लास में बात करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और राज्य अर्थव्यवस्था की। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि ये लाभ के लिए काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? लाभ के लिए। जबकि राज्य अर्थव्यवस्था किसके लिए काम करती है? कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए काम करती है। इसका सबसे पहला उद्देश्य है लोगों को जीवन के आधारभूत आवश्यकता से संबंधित वस्तुओं का उत्पादन और वितरण सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन अर्थव्यवस्थाओं का उदय कैसे हुआ। 1776 में, जब 1774 में अमेरिका को आजादी मिल गई थी, तो अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को एक दिशा देना चाहता था। उसी समय एडम स्मिथ, जो इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखा, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशंस। और इसी में, चूंकि इसके पहले राजतंत्र था और उत्पादन वितरण सब कुछ पे राजा का नियंत्रण होता था, राजा मनचाहा टैक्स लगाता था, वस्तुओं का दाम तय करता था, फ्री में वस्तुएं ले लेता था, एकदम मनमाने तरीके से अर्थव्यवस्था संचालित होती थी। तो एडम स्मिथ का कहना था कि जो उत्पादन और वितरण हो उसमें राज्य का यानी सरकार का किसी प्रकार से हस्तक्षेप ना हो, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था बेसिकली लोकतांत्रिक देशों में ही लागू हो सकती है। तो 1774 में अमेरिका की स्वतंत्रता मिली और वहाँ पे डेमोक्रेसी स्थापित हुई। उसके जस्ट बाद 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, तो वहाँ पे भी अर्थव्यवस्था में राजतंत्र समाप्त हुआ, लोकतंत्र की दिशा में कदम आगे बढ़ा। तो इन दोनों क्षेत्रों में, उसके बाद ब्रिटेन में भी ये इंग्लैंड की क्रांति, वहाँ पे भी राजतंत्र, राजा की शक्ति कम कर दी गई, लोकतंत्र की तरफ स्टेप बढ़ा। तो अब इन अर्थव्यवस्थाओं में एक स्ट्रक्चरल अर्थव्यवस्था की आवश्यकता थी, उत्पादन वितरण के क्षेत्र के पूरे सुनिश्चित ढांचे की आवश्यकता थी। तो एडम स्मिथ की पुस्तक कौन सी, द वेल्थ ऑफ नेशन में किस अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया गया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और इनका कहना था कि उत्पादन और वितरण का अधिकार सरकार के हाथ से निकल के पूर्णतः किस पे छोड़ देना चाहिए? बाजार पे छोड़ देना चाहिए। यानी इनका ये कहना था कि उत्पादन और वितरण में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता हो गई सरकारी हस्तक्षेप। सरकारी अहस्तक्षेप यानी सरकार अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगी, लोगों की डिमांड के अनुसार बाजार उत्पादन करेगा और बाजार ही आपूर्ति और वितरण करेगा। तो यहाँ पे बाजार को सारी शक्ति दे दी गई, यानी बाजार में सरकार एक दृश्य शक्ति है, जबकि बाजार में दाम का बढ़ना, मांग का बढ़ना, आपूर्ति का बढ़ना ये एक अदृश्य शक्ति है, अदृश्य हाथ है। तो इन्होंने बोला कि बाजार में एक अदृश्य हाथ है जो मांग और आपूर्ति और वस्तु की कीमत को निर्धारित करके अर्थव्यवस्था को संतुलित दिशा में ले चलेगा। तो बाजार शक्ति और यहाँ पे अदृश्य हाथ का कॉन्सेप्ट आया, अदृश्य हाथ। ठीक है, तीसरा इन्होंने बोला कि यदि विकास करना है, यदि केवल सस्टेन नहीं करना है, केवल जीवित नहीं रहना है, यदि मानव जीवन को बेहतर बनाना है तो विकास करना पड़ेगा और विकास के लिए कंपटीशन होना जरूरी है, अर्थात अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, उत्पादन बाजार करे और एक ही वस्तु का कई सारे लोग उत्पादन करेंगे, जिससे कंपटीशन होगा तो वस्तुओं के दाम घटेंगे, तो जो लोग खरीदने वाले हैं, उपभोक्ता हैं, उनको भी लाभ मिलेगा, कंपटीशन होना चाहिए। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की नेक्स्ट विशेषता है।
ठीक है। तो अब पहली चीज याद रखोगी, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्टार्टिंग में कहाँ पे लागू हुई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में भी यही लागू हुआ, फ्रांस। उसके बाद ब्रिटेन में भी यही लागू हुआ। उसके बाद पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू हो गई। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी वो मार्केट में इन्वेस्ट करेगा और लाभ के लिए काम करेगा, मजदूर को कम से कम मजदूरी देगा, अपने ज्यादा से ज्यादा आय रखेगा। तो जो मनी है वो कुछ हाथों में कंसंट्रेटेड होने लगी, केंद्रीकृत होने लगी, और जो उपभोक्ता वर्ग है उसके पास पैसे कम हो गए। तो उपभोक्ता वर्ग जब उसको संतुलित मात्रा में मजदूरी नहीं मिल रही है तो वो मांग भी तो क्रिएट नहीं करेगा। मांग क्रिएट नहीं करेगा तो आप उत्पादित करके करोगे क्या, यानी मांग नहीं क्रिएट तो उत्पादित वस्तु मार्केट में खपत नहीं होगी, अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम की बात वाले चैप्टर में इसकी बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं फिर किसकी, राज्य अर्थव्यवस्था की। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, ठीक है, और निजी क्षेत्र अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तीन नाम इसके हैं, कौन कौन से, बाजार अर्थव्यवस्था और निजी क्षेत्र अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था को गैर बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं और सरकारी अर्थव्यवस्था कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक, तीन नाम से जानेंगे। राज्य अर्थव्यवस्था का मोटो क्या है, वेलफेयर, कल्याण, जैसा कि हमारे डीपीएसपी में भी दिया गया है। कुछ राज्य अर्थव्यवस्था का गुण है वो मिस इकोनॉमी में देखेंगे। राज्य अर्थव्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट आया वो आया कार्ल मार्क्स के द्वारा। किसके द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल। ठीक, तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें कुछ लोग संपन्न हो रहे हैं और रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन यानी बची हुई जनसंख्या जो अर्थव्यवस्था में मुख्य संचालक का काम करती है, जो श्रम का व्यवस्था करती है, जो उपभोक्ता है, उसके हित का कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जो निजी क्षेत्र है उसको हटा देना चाहिए, सब कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए काम करेगी। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को नाम दिया इन्होंने राज्य अर्थव्यवस्था, के सब कुछ उत्पादन वितरण वस्तुओं का मूल्य, ये सब कुछ क्या क्या, किस किस वस्तु का उत्पादन होगा, किस उस वस्तु का वितरण कैसे होगा, वस्तु का मूल्य निर्धारण कैसे होगा, कितना प्राइस रखा जाएगा, ये सब कुछ कौन तय करेगा, राज्य तय करेगा। ठीक, ऐसा कहना था किसका, कार्ल मार्क्स का। तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पे 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन, बोल्शेविक क्रांति के बाद जब रशिया में स्वतंत्रता लोकतंत्र कायम हुआ तो रशिया ने अपने यहाँ राज्य अर्थव्यवस्था के तहत समाजवादी, कौन सी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू किया। अर्थव्यवस्था, इस व्यवस्था के तहत उत्पादन और वितरण सरकार करेगी और सरकार कल्याण के लिए काम करेगी। तो आप जरा सोचो कि सरकार वही वस्तु का उत्पादन करेगी जिससे लोगों की आजीविका चल पाए, जिससे लोग जीवित रह पाए। सरकार लोगों की विकास दर पे ज्यादा कार्य नहीं करेगी, विलासिता की वस्तु पे ज्यादा कार्य नहीं करेगी, तो अर्थव्यवस्था का ग्रोथ भी तो सीमित हो जाएगा। ये इस इकोनॉमी की प्रॉब्लम थी यदि विकास को देखा जाए, लेकिन यहाँ पे मानव जीवन को महत्व दिया गया था। ठीक, तो रशिया ने अपने यहाँ जो राज्य अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की अर्थव्यवस्था होगी, राज्य अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की अर्थव्यवस्था होगी, एक होगी समाजवादी अर्थव्यवस्था और दूसरी होगी साम्यवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन वितरण सरकार करेगी। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में अंतर ये है कि श्रम का मूल्य भी उत्पादन वितरण तो सरकार करेगी ही, जैसे समाजवादी में हो रहा है, इसके साथ साथ श्रम का मूल्य भी कौन तय करेगा, राज्य तय करेगा। ये अंतर है, यहाँ पे श्रम के मूल्य की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे उत्पादन और वितरण की बात है, यहाँ पे श्रम तक के मूल्य की बात हो रही है। आप मेहनत कर रहे हो तो उसका मजदूरी कितना होगा ये भी सरकार तय कर रही है। ठीक है, तो साम्यवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पे लागू हुआ, यूएसएसआर, सोवियत रशिया, यानी रूस में
आगे चल के जब सोवियत रसिया यानी उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये सारे यूक्रेन, इधर रोमानिया, बुल्गारिया सारे देशों का जब संगठन बना तो यहाँ पे भी वही अर्थव्यवस्था लागू हुई जो कहाँ पे लागू हुई, रसिया में लागू हुई। और इसके साथ साथ पूर्वी यूरोप में भी यही अर्थव्यवस्था लागू हुई रसिया के प्रभाव से, पोडोवा में रसिया और यूएसए का वॉर चलेगा तो इस वजह से। खैर, और साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पे लागू हुआ, चीन में लागू हुआ। और ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था चीन में कब तक चला, 1985 तक चला। 1949 में चीन को आजादी मिली तो चीन ने अपने यहाँ आजादी के बाद कौन सी अर्थव्यवस्था अपना ली, साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपना ली। इन अर्थव्यवस्थाओं की प्रॉब्लम वाले टॉपिक में बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलो, तो उत्पादन आपूर्ति मूल्य निर्धारण किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, यहाँ पे भी सरकार के द्वारा, यहाँ पे भी सरकार के द्वारा। अंतर क्या है कि इसमें श्रम का विभाजन, श्रम का निर्धारण भी सरकार करेगी, ठीक है। तो साम्यवादी एक रास्ता है किधर की तरफ चलने का, समाजवादी की तरफ, ठीक। तो ये अर्थव्यवस्था किसके द्वारा दी गई, कार्ल मार्क्स के द्वारा। ये अर्थव्यवस्था किसके द्वारा दी गई, एडम स्मिथ के द्वारा, एडम स्मिथ। कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक थे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और ये राज्य अर्थव्यवस्था, और इन दोनों का गुण यदि अर्थव्यवस्था में मिलेगा तो कौन सी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसके बारे में जो चर्चा होगी वो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास जो होगा वो दोनों की कमी के बारे में होगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास आएगा मिक्स्ड इकोनॉमी और भारत में किस प्रकार की मिक्स्ड इकोनॉमी है, और इसी से फिर जुड़ेगा 1991 का आर्थिक सुधार। 1991 में आर्थिक सुधार हुआ, उसका क्या मतलब था, अर्थव्यवस्था में कैसा परिवर्तन हुआ, क्योंकि हम स्टार्टिंग से मिक्स इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो 1991 में क्या परिवर्तन हुआ, इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में कैसा प्रारूप रहा, प्रेजेंट में कैसा है, आगे कैसा हो सकता है, इन सब टॉपिक के बारे में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक देखते रहिए आज तक, ठीक है। ये हो गया नेक्स्ट टॉपिक की बात। ओके, थैंक यू।